हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जलवायु परिवर्तन। क्योंकि अभी आपने देखा है कि आपके बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर हम लोग जल परिवर्तन पर ध्यान देते, जलवायु पर परिवर्तन देते, प्राकृतिक जो संसाधन मिले हुए हैं उन पर अगर हम लोग ध्यान दिए होते तो जो आज हम बीमारियां देख रहे हैं, फिर चाहे आप कोरोना वायरस को ले लीजिए, ये सभी उसी का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम बताया जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि आप समझिए कि स्थिर सभी को स्थिर मतलब जलवायु सब कुछ अपना कवर कर सकती है, लेकिन हम उसे नुकसान ना पहुंचाएं। अब आप देखते हैं कि पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जाएंगे, वर्षा कहाँ से होगी? समझ रहे हैं, बेमौसम वर्षा हो जाती है, कभी आपने देखा कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आपने देखा है सूखा पड़ा रहता है, तो ये सभी इसी के परिणाम है। तो ये आर्टिकल उसी से संबंधित लिखा गया है। तो देखेंगे कि चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती यानी कि CO2 की बढ़ती हुई सांद्रता और वैश्विक औसत तापमान का वृद्धि का इतिहास क्या रहा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है, वित्तीय पोषण की बात करेंगे इस पर, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु विश्व द्वारा यानी कि वैश्विक प्रयास क्या रहे हैं अभी तक, और जलवायु परिवर्तन और भारत के बारे में जानेंगे, इसके चुनौतियां इसके सामने क्या क्या है और आगे की राय क्या हो सकती है उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, और अभी आप सुन रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पीक पर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा उसी समय सबसे बुरी हालत देखने को मिलेगी। तो आप लोगों से सभी से इतना ही कहूंगा कि आप देख रहे हैं कि आपके जितने भी कई पॉलिटिशियन को हो चुका है, कई एक्टर को भी हो चुका है, अमिताभ बच्चन के परिवार को फैमिली को हुआ हुआ है, तो एक ही बात याद रखिए कि हो रहा है सबको, वो तो इतनी सेफ्टी कर रहे हैं फिर भी उन्हें हो रहा है। तो हम लोग तो आप रोड पर चल रहे हैं, डेली निकल रहे हैं घर से काम के लिए, तो आपको अपनी दिमागी क्षमता थोड़ी मजबूत रखनी है। इसके लिए अच्छी डाइट लीजिए और अपने स्वस्थ रहिए अच्छे से, और अपने दिमाग को कभी भी जिंदगी में दो चार बातें हावी मत होने दिया करिएगा कि हम हार चुका हूँ या फिर हम बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि जब हमारे दिमाग में ये बातें आ जाती हैं कि हम बीमार हैं या हम अपनी जिंदगी में हार चुके हैं, तो असल में हम लोग उसी दिन हार जाते हैं जब हमारे दिमाग में विचार आ जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो हमें अपने दिमाग में मालूम है हमें कि हार होगी, लेकिन फिर भी संघर्ष करना है, क्योंकि आप इतिहास देखते हैं, हम 70 साल जिए, 100 साल जिए, 120 साल जिए, अगर इतिहास में नहीं याद रखे गए तो क्या फर्क पड़ेगा, जीने का क्या मतलब है? जिंदगी मिली हुई है एक उद्देश्य के लिए, मतलब कोई उद्देश्य तो होना चाहिए जिंदगी में। आप देखिए कि महाराणा प्रताप हूं आपकी कई ये योद्धा ऐसे कि जो उन्हें मालूम था कि वो हार जाएंगे इस लड़ाई में, लेकिन लास्ट तक लड़ते लड़ते मर गए, इसलिए आज देख रहे हैं आप लोग कि इतिहास उन्हें याद रखता है। और बात इतिहास की है कि आज हम जो भी काम कर रहे हैं वो कल हमारा इतिहास होगा, वरना आपका 135-140 करोड़ जनसंख्या भारत में पनपी हुई है, और देख रहे हैं आप लोग भी हमारी स्थिति कुकुरमुत्ताओं से बुरी स्थिति हो गई है, वो समय के साथ उगते हैं, वो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, तो हमारी भी स्थिति उनसे बुरी है कि हमें मालूम ही नहीं कि हम जी क्यों रहे हैं। देखिए अगर जीना है तो फिर मतलब देखिए पेट तो हर कोई भर रहा है, या मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई भूख से मरेगा, क्योंकि आप अगर मेहनत है आपके पास तो पेट भरने के लिए आप व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप कुछ ऐसा करिए कि अपना पेट भरिए और आपके पैसे से मतलब दो चार लोग और भरें, तब मुझे लगता है कि आपकी जिंदगी मिलने का, इंसान बनने का उद्देश्य पूरा हो सकता है। आपकी आप अपने परिवार की खुशी देख रहे हैं वो ठीक बात है, लेकिन अगर दूसरे की खुशी भी साथ में शामिल हो जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर, भगवान भी कहेगा कि आपको इंसान बनाकर उसने कोई गलती नहीं की हुई है। तो यही रखिए कि थोड़ा अपना मतलब सोचते रहिए, मतलब ही भी मत बनिए इतना, क्योंकि हम आप मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा धरती पर स्थायी है, हो सकता है कि आज हम हैं कल ना रहें, इकलिए थोड़ी है। आप देख रहे हैं कि राह चलते मालूम नहीं चलेगा कि किस पल हम निपट गए, तो कुछ ऐसा काम करिए कि अपने आप में कभी अफसोस ना हो कि काश हम ऐसा कर लेते, एक काश शब्द जिंदगी भर दुख देता है। तो जो भी काम करिए, हम तो कहते हैं जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें 100% देखिए दीजिए, रिजल्ट जो भी मिलता है स्वीकार करिए, क्या फर्क पड़ता है, हमें अपनी तरफ से संतुष्ट हैं, बस दुनिया क्या सोचती है
क्या करती है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपना अपनी तरफ से संतुष्ट रहिए, क्योंकि जिंदगी में जो आज आप कर रहे हैं वो मायने रखता है एक समय के बाद। और उस समय आपको दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि काश ऐसा हो जाता। चलिए बात तो बहुत हो गई है, बातें होती रहती हैं, जलवायु परिवर्तन के बारे में देख लेते हैं। चर्चा का कारण, वर्तमान समय में विभिन्न देशों के प्रधानों ने जिस प्रकार कोरोना से लड़ने में तत्कालिक तत्परता दिखाई है, उसी प्रकार अब उन्होंने जलवायु परिवर्तन के प्रति भी सतर्कता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अन्य ग्रीन हाउस गैसें के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण औसत वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। कई आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग कोरोना के प्रति लड़े, अगर हम लोगों ने जलवायु के प्रति इतना ध्यान दिया होता तो आज हमें ये सब नौबत देखने ना को ना मिलती, समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि विश्व के सभी देशों में फैल चुका है लगभग लगभग, और सभी इससे निपटने में बेहतर से बेहतर मतलब काम में लगे हुए हैं। अपने देश को देखिए, प्रयास अन्य देशों को देखिए। अब आप समझिए कि अमेरिका एक समय तक कहता था कि ऐसा जलवायु पर उसने कभी जोर नहीं दिया है। ओबामा के समय में कुछ काम अच्छा हुआ, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो आपने देखा है कि किस तरफ से हर एक समझौते से मुकरते गए। तो आप देख रहे हैं कि परिणाम भी उस वही भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका भी तो सबसे ज्यादा प्रभावित है, आप देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता और वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि का इतिहास की बात करें तो गौरतलब है कि 18,000 साल पहले CO2 की सांद्रता में स्वतः वृद्धि हुई थी। इसकी मात्र 200 ppm से कम थी। तत्कालिक समय में पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी थी। 11,500 साल पहले CO2 के 270 ppm तक पहुंचने से उत्पन्न गर्म वायुमंडलीय परिस्थितियों से पृथ्वी पर कृषि उत्पादन को आप कुसंभव बना दिया। तत्कालीन पिछले 10,000 वर्षों में औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 स्तर कभी कभी 280 से 300 ppm से अधिक नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी के मध्य में मानव द्वारा औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने के लिए कोयले और तेल के उपयोग और किसी कृषि एवं बस्तियों का विस्तार करने के लिए जंगलों को जलाना शुरू कर दिया, तभी से ये समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं। एक बात आप समझिए कि आप ही लोगों ने देखा होगा कि एक समय इतनी वर्षा हुआ करती थी कि 7-7 दिन तक सब घर बंद है, वर्षा हो ही जा रही है, और अब देखिए आप लोग कि मुझे नहीं लगता है कि ऐसा दिन अब देखने को आगे मिलेगा। पहले आपके यहाँ जो कुआ बावरी हुआ करते थे उनमें आप जाके हाथ से भी पानी लेने की क्षमता रखते थे, और आज आप देख सकते हैं स्थिति क्या बिगड़ रही है। ये सभी ही जलवायु का ही परिवर्तन है। नतीजतन 1850 में मात्र 0.2 बिलियन टन CO2 उत्सर्जन से लेकर 2018 तक वार्षिक उत्सर्जन बढ़कर 36 बिलियन टन हो चुका है। 1850 में कितना था? 0.2 बिलियन, और ये 2018 में कितना बढ़ के हो गया? 36 बिलियन टन। हालांकि हमारी प्रकृति ने इस बढ़े हुए CO2 उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से साफ कर दिया है, जिसमें वनों और महासागरों द्वारा कार्बन सिंक के रूप में काम करना भी शामिल है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जित हो, हमें वो प्रॉब्लम नहीं है। पेड़ जो हमारे हैं और आप देखते हैं समुद्र यानी कि जो महासागर हैं, ये सोखने की क्षमता रखते हैं। कार्बन सरंग का मतलब यह है कि सीधा मतलब कि ये लेने मतलब समेटने की CO2 को क्षमता रखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं। आप ही अपने दिमाग में एक सवाल कभी लाइए, सोचिए इस बात पर कि हमारे अंदर एक फेफड़ा है जो ये दो भागों में बटा हुआ है, एक हमारे अंदर है दूसरा पेड़ों पर है। आप सोचिए कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, पेड़ खत्म हो जाए पूरी तरह से, कहां से ऑक्सीजन में बदलेगा वो CO2? तो एक आप एक तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति भी हमारे फेफड़े का काम करती है, वो हमें बदलने का काम, जिस तरह से हम लोग ऑक्सीजन को CO2 में बदल देते हैं, इसी तरह वो भी काम करती है कि ऑक्सीजन CO2 को ऑक्सीजन में बदलने का। परंतु फिर भी वनीकरण और प्रकृति के अधिकाधिक दोहन के कारण वातावरण में CO2 का स्तर 2018 में 407 ppm तक पहुंच गया है। 407 ppm तक पृथ्वी के वायुमंडल में
पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पिछले 3 मिलियन से अधिक वर्षों पहले देखी गई थी। इसके अलावा यदि हम वैश्विक तापन के आंकड़ों की तरफ देखें तो पता चलता है कि 1850 के बाद से लगभग एक शताब्दी से अधिक समय तक वैश्विक तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा रही थी। इसलिए किसी भी प्रकार के गंभीर परिवर्तन की कोई आशंका भी नहीं जताई गई। परंतु 1975 के बाद से तापमान के ग्राफ ने एक अलग ऊर्ध्वपातन रुझान प्रदर्शित किया है और 2015 तक तो पृथ्वी 100 साल पहले के मुकाबले 1 डिग्री सेल्सियस की अधिक गर्म हो गई। क्योंकि आप देखते हैं कि 1975 के बाद ही सभी देशों में औद्योगिक क्रांति आनी शुरू हुई है, क्योंकि 1947-1950 तक सभी देश आजाद भी हुए अंग्रेजों से, तो सबने अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की, जीडीपी को बढ़ाने की कवायद शुरू की। उसी का परिणाम ये हुई है। जलवायु विज्ञान के जानकार एक सटीक अनुमान लगाते हुए बताते हैं कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में कोई सुधार नहीं किया गया तो पृथ्वी इस शताब्दी के अंत तक 4 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगी। कितनी? 4 डिग्री सेल्सियस। जलवायु परिवर्तन के अगर हम लोग प्रभाव की बात करें कि आखिर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव क्या है, तो इसमें देखेंगे आप लोग कि हाल में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियरों को पिघलाकर पहाड़ों पर बर्फ के आवरण को कम कर दिया है। इससे समुद्र के जल स्तर में वृद्धि और जल सुरक्षा जैसी चुनौतियां सामने आई हैं। आंकड़े दर्शाते हैं कि पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे क्या होगा कि कई देशों के कई बड़े हिस्से पानी में भी समाहित हो जाएंगे। और एक बात आपने अभी कुछ ही दिन पहले एक रिपोर्ट आई हुई है कि प्रदूषण का प्रभाव, इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अंटार्कटिका पर भी देखने को हमें मिल रहा है, जहां मानव की आबादी बिल्कुल नहीं है, फिर भी वहां तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ये भी आपका चिंता का कारण बन चुका है। उच्च तापमान का कृषि उत्पादन पर भी असर देखने को मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार कम होने से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो सकती है, साथ ही उर्वर भूमि निम्नीकरण जैसी समस्या भी आपके सामने आ सकती है। तापमान में वृद्धि के कारण वनस्पति पैटर्न में बदलाव ने कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी की 1/4 प्रजातियां वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में जोड़ा गया जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते हैं। आप लोग देखते थे गीदड़, आप गांव की तरफ जा रहे अगर मालूम हो आपको, कई पक्षी देखते थे आज से सालों पहले, आजकल वो देखने बंद हो गए। ये जलवायु का ही परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन में न केवल तापमान में बदलाव बल्कि मौसम के हर अन्य घटक जैसे वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति शामिल है, जिनके कारण विश्व स्तर पर कई चरम मौसमी घटनाएं हुई हैं, जैसे तूफान, हीट वेव या सूखा। उदाहरण के स्वरूप 2003 में यूरोप में हीट वेव के कारण कितना 70,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। कितनी? 70,000। वर्ष 2015 से 2019 के बीच इस स्तर पर रिकॉर्ड सबसे कम बर्स रहे हैं। उच्च तापमान ने 2019 में अमेजन की आग में 2019-20 में ही ऑस्ट्रेलिया में लगी आग में योगदान दिया, जिससे बाहरी तबाही देखने को मिली है। क्योंकि आपने देखा है 2019 में आपने सुना होगा कि अमेजन की जंगलों में आग लगी है, फिर उसके बाद आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगी हुई है। यदि वैश्विक CO2 उत्सर्जन वर्तमान दर से बढ़ता जारी रहा तो भारत के अधिकांश राज्यों में गर्मी का औसत तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पर बात करते हैं वित्तीय पोषण की। जलवायु परिवर्तन संरक्षण पर अधिकांश देशों का सबसे सामान्य तर्क यह है कि अर्थव्यवस्था कीमत पर हर GHB उत्सर्जन, यानी कि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है इसी की बात की जा रही है, अंकुश नहीं लगा सकते हैं। यानी कि सीधा सा मतलब है आपका कि एक कहने का मतलब है कि अगर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो इस तरह की समस्याएं आम बात हैं। जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये बढ़ना स्वाभाविक सी बात है, इनके कहने का सीधा सा मतलब यही है। हालांकि 2009 में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सम्मेलन में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन के अल्पीकरण और अनुकूलन के लिए विकासशील गरीब देशों को
2020 तक प्रत्येक वर्ष 100 अरब डॉलर की सहायता प्रदान करने का संकल्प दिया है। इसे क्लाइमेट जस्टिस की परिकल्पना नाम दिया गया, जिसके अनुसार धनी राष्ट्र जिन्होंने अधिकांश जीएचपी यानी कि आपका सीधा सा मतलब है ग्लोबल वार्मिंग पैदा की है, को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अन्य देशों को भुगतान करने की आवश्यकता है। इसमें कहने का मतलब सीधा सा इतना है कि जिन देशों ने सबसे ज्यादा औद्योगिक क्रांति की है तो उन्हीं ने इसमें योगदान दिया है सबसे ज्यादा, तो उनका इतना कर्तव्य बनता है कि वो जो गरीब देश हैं उन्हें ये राशि उपलब्ध कराए जिससे वो अपने एक हद में औद्योगिक क्रांति करें, वरना वो भी अगर आप सोचिए कि CO2 का उत्सर्जन करते रहे तो इसी तरह से बदलाव परिवर्तन जलवायु में देखते रहेंगे हम लोग। 2017 में केवल 71 बिलियन डॉलर की राशि प्रदान की गई, जिसमें से 20% से कम धन का जलवायु अनुकूलन में प्रयोग किया गया था। इन स्थितियों को देखते हुए यह भी संभावना नहीं लगती कि विकसित देश 2020 के दौरान महामारी के कारण जलवायु वित्त पोषण में 100 बिलियन डॉलर भी वितरित करेंगे। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक यानी कि विश्व में जो प्रयास किए गए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें आपके 195 सदस्य देश शामिल हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। याद रखिए इस तरह के जो भी आपके संगठन है उनके बारे में हम लोग क्लास बाई क्लास बात की हुई है, अगर उसे कवर कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा, फिर चाहे आपका सिविल सर्विस हो या फिर स्टेट PCS हो या फिर वनडे एग्जाम हो। तो महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है उसमें आपके राष्ट्रीय संगठन भी डले हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी सभी कवर किए गए हैं। IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन में फेमबर्ग सम्मेलन UNFCCC, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत ही वर्ष 1997 में बहुचर्चित क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो समझौता हुआ था। विकसित देशों एनेक्स एक में शामिल देश थे द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किए गए। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची यानी कि एनेक्स एक में रखा गया। इसी के तहत UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि कॉप के नाम से आप लोग जानते हैं COP के। फिर आपके पेरिस समझौता, इनसे आपके क्वेश्चन हमेशा बनते आ रहे हैं और याद रखिए वैसे भी आप लोग अगर मेंस लिखते हैं तो उसमें डालने के लिए इस तरह के पॉइंट बहुत ही जरूरी है, अगर आप डालते हैं तो आपका एक जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा उसका वो प्रभावशाली बनेगा और आपको नंबर मिलने के चांस भी बढ़ेंगे, तो इन्हें भी याद रख सकते हैं। बस 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु में परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य के साथ उत्पन्न पेरिस समझौते को ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अगर जलवायु परिवर्तन और भारत की हम लोग बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में हुआ भारत में। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों सरकार के विभिन्न एजेंसियों वैज्ञानिकों उद्योगों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना। इस कार्य योजना के मुख्यतः 8 मिशन है, राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित सौर विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थित निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन,
सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय, रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, ये सभी इसी में शामिल हैं। अब बात करते हैं कि चुनौतियां क्या क्या हैं इसके सामने। तो गौरतलब है कि 2015 तक वैश्विक औसत तापमान 100 साल पहले की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वर्तमान अनुमानों के से पता चलता है हमें कि दुनिया पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अभी भी बहुत पीछे, जिसके अनुसार औसत वैश्विक तापमान में पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 2 डिग्री सेल्सियस से कम वृद्धि करनी है, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वृद्धि भयावह पर्यावरणीय दुष्चक्र का उद्भव कर सकती है, यानी कि इसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिलेगा। आगे की अगर राह की बात करें हम लोग, तो बढ़ती जलवायु से निपटने के लिए पर्याप्त वित्त पोषण की, यानी कि पर्याप्त पैसे की जरूरत आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का अनुमान है कि पूर्व औद्योगिक स्तर के सापेक्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान बनाए रखने के लिए 2035 तक अधिक कुशल ऊर्जा प्रणालियों में $2.4 ट्रिलियन का निरंतर वार्षिक निवेश आवश्यक है, यह वैश्विक GDP का लगभग 2.5% होगा। हालांकि COVID-19 से ने जलवायु परिवर्तन से मानवता को एक संक्षिप्त राहत दी है। लॉकडाउन के दौरान जीवाश्म ईंधन से कार्बन उत्सर्जन निश्चित रूप से कम हो गया है, परंतु महामारी फैलने के बाद अब समाज की संरचना और कामकाज में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि आपने देखा है कि सब ठप पड़े हुए थे, कोई ना औद्योगिक संगठन चल रहा था, ना आपने देखा है परिवहन चल रहे थे, इसलिए एक अच्छा बदलाव देखने को मिला है। आपने सुना होगा कि गंगा नदी और यमुना नदी में आपके यहाँ एक बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला है जब से लॉकडाउन हमारे देश में लगा हुआ है। उद्योगविदों और अर्थशास्त्रियों और सामाजिक वैज्ञानिकों को इक्विटी और जलवायु न्याय क्लाइमेट जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर एक स्थायी व्यवस्था हेतु योजना बनानी चाहिए। विभिन्न देशों के नेताओं को जलवायु संकट पर उसी सतर्कता के साथ काम करना चाहिए जिस सतर्कता के साथ COVID-19 पर किया है। जलवायु परिवर्तन परिदृश्य से निपटने के लिए निम्नलिखित तकनीकी हस्तक्षेपों का सुझाव दिया जा रहा है, कौन कौन से हैं? वायुमंडल से बड़ी मात्रा में CO2 को निकालकर सुरक्षित रूप से भंडारण करना, भू इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों द्वारा सौर विकिरण का विनिमय वायुमंडल में एरोसेल का उपयोग करना, या फिर विशाल परावर्तक को अंतरिक्ष में रखना। दुनिया भर की सरकारें अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशाल प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च कर रही है, यह हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने का एक सुनहरा अवसर है। तो ये कहानी है आपकी जलवायु परिवर्तन की, तो आप भी बचे रहिए इससे, अपना ख्याल रखिए और हो सके तो पेड़ लगाया करिए। कभी आप देखते हैं कि आपके बच्चों के जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, तो उस समय पर भी तो आप लोग पेड़ लगा सकते हैं, उस समय भी आप देखते हैं अच्छा घर में पार्टी मनाने की बजाय एक पेड़ लगा दीजिए उस बच्चे के नाम, वो यादगार वही बना रहेगा पेड़, समझ रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से हर समाज में देखो, ये हर व्यक्ति इससे प्रभावित हो, हर किसी को आगे बढ़कर जवाबदेही लेनी होगी, ठीक है।